हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमने सुबह सुबह 7 बजे कैब ली थी और हम मैसूर के लिए निकल गए थे। बैंगलोर से अराउंड 3.5-4 घंटे हमें लगे थे जहाँ पे हम रहते हैं। वहाँ से हम होटल पहुँचे और वहाँ जाके हमें पता चला कि हम अपने सूटकेस में जो ताला लगाया था उसकी चाबी घर ही भूल गए थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हमने होटल स्टाफ को भी बुलाया कि वो ये प्लास्टिक काट दे, ये छोटा सा ताला, बट उससे भी नहीं कट रहा था क्योंकि ताला बहुत ज़्यादा छोटा था। तो वो हमें बोल रहा था कि अगर ताला कटा तो ये जो आपकी चेन है ना वो भी कट जाएगी। तो फिर हमने बोला कि यार चेन कट जाएगी तो हम कैसे बंद करेंगे सूटकेस दोबारा। तो वो भी हार मान के चला गया। बट मैंने यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देखा और जिप खोल दी फाइनली। नहीं बताऊँगी कौन सा था ट्यूटोरियल, बट उसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी तो हम रेस्टोरेंट में खाने गए। आई थिंक इसका नाम जलपान रेस्टोरेंट था। बहुत सही खाना था यहाँ का। ये है आलू चाट, देन वी हैड आई थिंक बारबेक्यूड पनीर पिज्ज़ा, और ये है मशरूम और दाल मखनी नान। बहुत टेस्टी था खाना, बहुत टेस्टी था। उसके बाद नीचे उतरते ही ये पान वाला था तो फिर मम्मी को पान खाने का मन कर गया। हमने बनवाया रसमलाई पान। ये किसी और का पान बना रहा था, मुझे लग रहा था इसमें से एक रसमलाई है, बट जब मैंने हाथ आगे किया और उसने मेरी जगह किसी और को दे दिया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हमारा नहीं है। बट उसके बाद हम गए रेल म्यूज़ियम। सबसे पहले यहाँ पे टिकट थी अडल्ट 50, चिल्ड्रन 30, तो हमने 3 टिकट्स ली। अंदर जाके बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया एंड इन जनरल। और ये एक भाई साहब खड़े थे जिन पे लिखा था डू नॉट टच, तो नहीं किया हमने। फिर बहुत सारे टेलीफोन्स भी थे वहाँ पे, पुराने पुराने ज़माने के में कैसे कैसे फ़ोन होते थे, तो वो सब देखने को था। काफ़ी अच्छा था म्यूज़ियम। इट वॉज़ स्मॉल बट इट वॉज़ गुड। एंड दिस इज़ मी, हाई। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और एस्थेटिक जगह थी वहाँ पे। आई लव दिस प्लेस। ये मेरी फेवरेट जगह है पूरे म्यूज़ियम में। एवरीथिंग इन दिस म्यूज़ियम इज़ सो सिमेट्रिकल, इट्स सो सो प्रिटी। लुक एट दिस, लव इट। तो ये वही एरिया है जो मैं भी आपको वीडियो में दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा प्यारा बना रखा है म्यूज़ियम। मतलब सब कुछ इतना वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, देखकर मज़ा आ गया म्यूज़ियम को। ये एक रेल कैफ़े था, एक डब्बे, रेल के डब्बे में कैफ़े बना रखा था। वैसे हम इतना फट चुके थे वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा के, पर फिर भी हम यहाँ पर घुस गए देखने के लिए कि आखिर है क्या। तो ये काफ़ी छोटी सी एक अरेंजमेंट थी खाने पीने की। खाया कुछ भी नहीं हमने वहाँ से क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू फट चुके थे वहाँ से, तो बस देखा। उसके बाद ये पटरी पर चल रही हूँ छपरी निवास की तरह। हेलो, व्हाट आर यू? यू आर हैंड क्रीम। ओके, मालगाड़ी। इज देयर एनी माल इनसाइड? नो। दिस इज द बाथरूम, देन वी हैव अ प्रेयर रूम, वी ऑल्सो हैव अ डाइनिंग रूम, किचन। ओए होए, एंड दिस इज बॉयलर रूम, स्टोर रूम। सारा खाना बनाने का सामान यहाँ पर स्टोर्ड है। दिस इज कुक्स रेस्टरूम। सही है यार। दिस इज अ होल हाउस इन द ट्रेन। आई वुड लव टू बी योर ऑल्सो। उसके बाद हम बाहर गए तो वहाँ पर एक टॉय ट्रेन थी और एक नकली सा स्टेशन बना रखा था।
तो बस हम उसी स्टेशन पर पहुँचे और टॉय ट्रेन में, हर आधे घंटे पे चलती है टॉय ट्रेन, बट यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जैसे ये फुल हो जाती थी वैसे ही चलने लग जाती थी, तो बस हम भी बैठ गए। बैंड पार्टी, चलो सेंट्रल पार्क से गाड़ी निकल रही है। तो इस ट्रेन ने हमें इस पूरे म्यूजियम के दो चक्कर लगवाए, 2 मिनट 3 मिनट का एक चक्कर होगा, तो इसने बस 2 चक्कर लगवाए। इसकी कोई स्पेशल टिकट नहीं थी, वो जो हमने बाहर से टिकट ली थी बस वही दिखानी थी और ट्रेन पर बैठ जाना था। क्वाइट इंटरेस्टिंग, साइड में मैसूर सेंट्रल का रियल वाला स्टेशन भी था, मैसूर जंक्शन, नॉट सेंट्रल, माय बैड। और ये एक ट्रेन खड़ी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद हम गए वृंदावन पार्क, जो कि वहाँ से अराउंड 30 मिनट्स था, काफ़ी दूर था। बहुत सुंदर पार्क था, बहुत सारे फाउंटेन्स थे, काफ़ी पानी, इट वॉज सो प्रिटी। लंबा पार्क था ये, मतलब सीढ़ियाँ जो है ना, ये चढ़ते जाओ और एंड में सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ये राधा कृष्ण की मूर्ति, ये इंडिया और गांधी जी वाला फाउंटेन था, इट वॉज़ वेरी वेरी प्रिटी। ये एंट्रेंस पे ही एक बहुत सा बड़ा सा लेक है। अभी हम म्यूजिकल फाउंटेन देखने जा रहे हैं एंड यू वोंट गेस व्हाट आई फाउंड, चीटोस भाई, चीटोस। मैंने इसको कम से कम 20 साल से नहीं देखा। अगर आपके यहाँ पे मिलते हैं तो लेट मी नो, मुझे लगा था इंडिया में प्रोडक्शन ही बंद हो गई है ना। आई फाउंड चीटोज हियर, आई एम शॉक्ड ऑल्सो, आई एम वेरी वेरी टायर्ड। बहुत सुबह से 7 बजे से निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, बट ये लास्ट है द म्यूजिकल फाउंटेन, इसके बाद विल हेड बैक टू आर होटल, लेट्स सी हाउ इट गोस। अगले दिन हम निकल गए चामुंडा देवी टेंपल के लिए। बहुत भीड़ थी इस दिन, 25 दिसंबर था और इतना ध्यान में नहीं आया कि छुट्टी वाले दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, एटलीस्ट 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। और हमने 100 रुपीज़ वाली स्पेशल टिकट ली थी, यही लाइन में खड़े खड़े हमें दिखे 2 भैंस, तो हमने दर्शन नहीं किए फाइनली, क्योंकि मम्मी इतनी देर नहीं खड़ी हो सकती थी। तो हम बाहर आ गए और हमने फिर लिया गन्ने का जूस, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हमने, और हम सीधा टेंपल के लिए निकल गए थे। तो पहले हमने लिया ये जूस और इसके बाद हम बस एग्जिट कर रहे थे, तो वहाँ पे थी ये रावण की मूर्ति। वापस आते टाइम ये बहुत सुंदर पूरी सिटी का व्यू मिलता है, तो हमने नीचे बस ऑटो रुकवा के थोड़ी देर ये व्यू ले लिया। उसके बाद हम गए खाने, तो ये है एक वेज थाली, नॉर्थ इंडियन वेज थाली। उसके बाद हम पहुंच गए मैसूर पैलेस, जो कि मेन अट्रैक्शन है मैसूर की। वहाँ पे किसी कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही थी, तो वो तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बट फिर हम गए अंदर और अंदर की दीवारें और कंस्ट्रक्शन सब कुछ इतना सुंदर है ना, देखकर मतलब मज़ा ही आ गया। दरबार टाइप्स बना था जहाँ पे इतने सारे झरोखे थे, जहाँ से शायद रानियाँ और सब देखती होंगी, और ये नीचे आई थिंक जेंट्स के बैठने की जगह थी, तो बहुत ही सुंदर था ये कोई हॉल। और ये इतनी सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ना दीवारों पे, और इतनी सुंदर सुंदर डिटेल्ड पेंटिंग्स थी, मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं इतनी ऊँचाई पर कैसे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत सुंदर था।
बाहर निकले तो कोई फ्लावर शो की तैयारी चल रही थी और ये एक घर था उसको डेकोरेट कर रहे थे फ्लावर से। इस टाइम तो कुछ खास पता नहीं चल रहा था, बट जैसे ही शाम हुई और हम दोबारा वापस आए 3-4 घंटे बाद, द पैलेस वॉज लिट विद सो मैनी लाइट्स। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। सो दिस इज हाउ द पैलेस लुक्ड लाइक एट नाइट। आई एम टेलिंग यू द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम फ्लावर शो में घुसे तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो सिर्फ फ्लावर से बनाई गई थी। बस इसके बाद हम वापस चले गए अपने होटल और अगले दिन सुबह सुबह हम वापस आ गए। तो ऑल इन ऑल एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिप थी, ठीक था, मतलब अच्छा था, बस थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बट ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। गर्मी थी थोड़ी सी, नॉट अ लॉट, बट ऑल इन ऑल आई एंजॉयड द ट्रिप।